लोगों कुछ भी हो जाओ मस्जिद में चल जाओ, पानी मस्जिद में चल जाओ, गंदा चल रहा तुमको। सर आप जाओ, आप जाओ तो सबसे बात करो, फिर वही बात कर रहे हैं। खाली मत करो, नहीं गाड़ी खाली करो मत, यहाँ से गाड़ी हटा दो। यहाँ बोला तुम साहब को, कितनी पब्लिक यहाँ पे, कितनी लोग है देखो ना, ये कम है क्या? गाड़ी हटा दो, एक साथ के वहाँ जाना के सबसे क्या करना बताओ, जाओ सबसे बात करो, बात आ जाओ, चलो जाओ सबके पास जाके आएंगे। समझो यहाँ धार्मिक स्थल, मुझे पता है सर, देख रहा हूँ मैं, वो धार्मिक स्थल के पास यहाँ दो दो धार्मिक स्थल, एक भड़कल गेट है और एक चिट्टा खाना मस्जिद है। यहाँ पर धार्मिक स्थल नहीं है, अरे गवर्नमेंट के है ना, ओपन स्पेस वहाँ डालो ना, आसपास में है, तुम्हारे अरब कॉलोनी में है, बहुत जगह है ना, स्पेस ओपन स्पेस पड़ेगा बड़े बड़े, यहाँ पे डालने से क्या हो रहा है, यहाँ तकलीफ है ना, ये पूरा देखेंगे सर, अभी जा रहा है पानी का, मेन रोड पे आपको बुलाए, ओ भाई साहब आपको बुलाए, आपने देखे क्या हाल था कल यहाँ पर, कल पानी गया अंदर, कहाँ गया पानी, इधर अंदर मस्जिद में गया ना पानी, गया ना, आप अधिकारी है, आप अधिकारी है या अधिकारी, आप इनको बोलो पानी गया क्या नहीं गया, मैं तो बोल रहा ना, मैं अभी हमने जादव साहब को बुलाए, जादव साहब ऑफिस में आ रहे हैं, तो वहाँ सब लोग जा रहे हैं अभी हम साथ। आज ये भड़कल गेट अपने वार्ड नंबर 49 में आज सुबह में ये कचरे वालों ने जो यहाँ बहुत बड़ा हंगामा मचा रखा था, हम वार्ड के कुछ लोग यहाँ पर, मैं तो समाज सेवक हूँ, बाकी कुछ हमारे साथी भाई लोग आए थे, बुजुर्ग आए थे हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि ये जो है तो मस्जिद में पूरा पानी जा रहा है, यहाँ गंदगी का आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी खड़ी है कचरे की, कम से कम बड़ी बड़े बड़े टिप्पर 35 और 150 छोटी गाड़ियाँ यहाँ से वो लोग चालू करने वाले थे, इनको जो है तो MSCB से वहाँ से कुछ तो भी इन्होंने कार्रवाई करने वाले थे, MSCB वाले गुनाह दाखिल करने वाले थे रड्डी कंपनी पे, तो उन्होंने यहाँ ठिया जमाया उनका, और यहाँ ठिया जमाया तो यहाँ दो मस्जिद है, एक नूर कॉलोनी मस्जिद है, एक भड़कल गेट मस्जिद है, तो हम पूरे आवाम नूर कॉलोनी की आवाम ने पूरे जमा होकर वार्ड के लोगों ने उनके पास अधिकारी जाधव साहब के पास जाकर अभी बात कर कर आए, तो जाधव साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि दो दिन तक यहाँ काम चालू रखेंगे और दो दिन के बाद यहाँ से हटा देंगे, लेकिन वो बता रहे थे कि हम मस्जिद के पीछे साइड चालू करेंगे, अरे भाई ये कचरा है ना, आप आगे से करो या पीछे से करो, पानी तो मस्जिद में आने वाला है, दोनों तरफ से स्लोप मस्जिद में है और उसके बाद में बांस आने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे कोई भी लोग तैयार नहीं है, हमारे लोग विरोध में है और हमारा विरोध यहाँ से दर्ज रहेगा जब तक यहाँ से ये हटेगा नहीं, और इसके अलावा वो जो महानगर पालिका ने जो मिलिट्री वाले रखे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हमारे रफीक भाई मौलाना और कुछ बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने कुछ एक दो बात की उनके साथ में अदब से और तहजीब से, तो इन्होंने डायरेक्ट उनके ऊपर हमला किया, बोले टाइट मारना चालू कर दिया, ये हम नहीं मानते, आप दादागिरी करके काम करेंगे तो दादागिरी हमको भी आती है, हम भी दादागिरी में आएंगे, हम दादागिरी नहीं करते हुए, हम समाज सेवक है और हम लोगों के हित में काम करते हैं, लोग जहाँ परेशान होते हैं हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ काम करके देते हैं लोगों को, और ये दादागिरी करेंगे तो दादागिरी चलने वाली नहीं है। सुराड़कर साहब ने, हमने हाथ जोड़ के विनंती करे उनको कि साहब ये हमारे पास ये भला मत लाइए, पहले हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास यहाँ तक पानी घुसता है, कैसा कैसा करके अभी हम थोड़ा थोड़ा काम करा रहे हैं, पहले बजट नहीं है महानगर पालिका में, आप एक दूसरा अजाब ला के खड़े कर रहे हैं,
हाँ, पहले इसके पहले दो लोग की डेंगू से मौत हो चुकी है नाले में। हाँ, हम लोग कितना सुधारना हमारे एरिया को, पहले तो बजट नहीं है, क्या बताना आपको कैसा कैसा हम लोग फाइल मंजूर करके ला रहे हैं अधिकारियों के हाथ पर जोड़कर। हाँ, कैसे भी काम करा रहे हैं। और उसके बाद में देखो, ये सुवर्णकर साहब भी हमको टैट मारते हैं, वो सुवर्णकर साहब का भी बराबर नहीं है। हम बोलेंगे कमिश्नर साहब से कि इसकी बदली करना चाहिए, तत्काल बदली करना चाहिए, क्योंकि वो आवाम से अच्छी बात नहीं करता है। यहाँ सब मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। टिप्पर यहाँ मत लगाओ, यहाँ हटाओ, तो किसको बात ही नहीं करने दे रहा, डायरेक्ट टाइट मार दे रहा। जैसा वो यहाँ पर आज मिलिट्री में बॉर्डर के ऊपर आया, ऐसा काम कर रहा हो, डायरेक्ट बोला बात मत करो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यानी किससे क्या बात करने की कोई तमीज़ ही नहीं है उनको बात करने की, डायरेक्ट टाइट मार दे रहा है किसको भी, वो भी। और वो सुरलकर साहब भी किसी से जो है तो सीधी बात नहीं कर रहे। आइए, हमारे समाज सेवक मुख्तार खान ये सुबह में आए, आकर जो है तो उनसे बात करे, तो वो जो है तो इनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, ऐसा बोल रहा। और जो है यहाँ पर मिलिट्री वालों को भेज दिया उन्हें 8-10, यहाँ क्या जंग हो रही थी क्या? यहाँ पर उन्हें कचरा दाड़ा, मस्जिद का मसला है, यहाँ से आने जाने वालों को तकलीफ होंगी, और यहाँ पर ये गंदगी की वजह से बीमारियाँ आएंगी, यहाँ से जाना आना, नाक लेना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। ये जो कचरे गाड़ी, यहाँ ये कचरे गाड़ी जो है यहाँ हम होने नहीं देंगे, और यहाँ रखन देंगे नहीं। उन्होंने हमारे 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन तक देखी, ये मस्जिद है, उधर आगे भी मस्जिद है, यहाँ गाड़ी कचरे की नहीं खड़ रही। झोने के अंतर्गत महानगर पालिकेचं ट्रान्सफर स्टेशन जे एमएससीबीच्या मुख्य कार्यालयाच्या शेजारी होतं, त्या ठिकाणी एमएससीबीच्या काही अधिकाऱ्यांनी ऑब्जेक्शन घेतल्यामुळे आपण नवीन जागेचा त्या ठिकाणी शोध सुरू केलेला आहे। मेन व्हायला आपण आयटीआयच्या शेजारी ट्रान्सपोर्टेशन सुरू केलं होतं, तर त्या संदर्भात नूर कॉलनीमधले रहिवासी निवेदन द्यायला आले होते, तर त्यांची समजूत घालण्यात आलेली आहे, आणि जोपर्यंत नवीन जागेचा शोध होत नाही तोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे ट्रान्सपोर्टेशन सुरू ठेवणार आहोत। नवीन जागेचा लवकरच शोध घेणार आहे, त्या ठिकाणी कमल तलावाच्या बाजूची जागा असेल किंवा भावसिंगपुरातली जागा असेल किंवा एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा भेटून विनंती करून त्या ठिकाणी जर सुरू करता आलं तर अशा बाबींचा नव्याने एक्सप्लोअर करून आपण ट्रान्सपोर्टेशन झोन नंबर 1 पुन्हा सुरू करणार आहोत। काय नाव आपलं? सर सोमनाथ जाधव। संपूर्ण परिचय द्या। उपायुक्त औरंगाबाद महानगरपालिका, घटकाचा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।